नमस्कार दोस्तों, रियल हेडलाइंस न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपका अपना अमित लक्की धवन आपके सामने लेकर आया हूं श्री गंगानगर से एक बड़ी खबर। खबर थोड़ी सी लंबी जरूर है, मैं आप सब दोस्तों से निवेदन करूंगा कि इस खबर को आप अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आप इस खबर में देखेंगे कि रेलवे प्रशासन किस तरह से अपनी गुंडागर्दी कर रहा है। मैं आपको इसमें पूरा एक डिटेल दिखाऊंगा कि किस तरह से रेलवे प्रशासन अपनी गुंडागर्दी कर रहा है। मेरा आपसे निवेदन है कि खबर को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, रियल हेडलाइंस न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपका अपना अमित लक्की धवन आपको लेकर आया हूँ श्री गंगानगर रेलवे स्टेशन पार्किंग पर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पार्किंग बनी हुई है, कितनी अच्छी सुविधा है यहाँ पर। इसका जो साइज है वो है 100x70 स्क्वेयर फुट का, यानी कि 7000 स्क्वेयर फुट में ये पार्किंग बनी हुई है। इसमें क्या किया, जब ठेकेदार को यह पार्किंग दी गई तब उसको यह पार्किंग दिखा दी गई और इसका जो मंथली किराया है वो 1,20,000 रुपये जो है वो फाइनल कर दिया गया। इसके अलावा ठेकेदार से इसकी सिक्योरिटी भी जमा करवा ली गई। अब दिक्कत समस्या ये आ रही है कि प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत इस रेलवे स्टेशन का जो है श्री गंगानगर रेलवे स्टेशन का निर्माण होना है। अब रेलवे स्टेशन का निर्माण होना है, पार्किंग वाले इससे बिल्कुल सहमत हैं। वो कहते हैं कि हम इसमें साथ देने को तैयार हैं, लेकिन हमें इसके बराबर की जगह जो है वो दे दी जाए। रेलवे प्रशासन क्या कर रहा है कि इनके साथ इस तरह से गुंडागर्दी कर रहा है कि उन्होंने पार्किंग ये दिखा दी, इसका हर महीने का किराया फिक्स कर लिया 1,20,000 रुपये। और उसके बाद अब जो है वो सामने रेलवे क्वार्टर तोड़े हैं, उनको वहाँ पर पार्किंग दे रहे हैं। अब जो वहाँ की जो पार्किंग है उसकी जगह है जो वो इससे आधी है और वहाँ पर जो है फैसिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ की फैसिलिटी के बारे में। आप पहले यहाँ का फर्श देखिए, यहाँ का जो फर्श है वो पूरा पक्का बना हुआ है। आप देख सकते हैं कि जो फर्श पूरा पक्का बना हुआ है। अब अपने आगे चलते हैं अगली लाइन में। आप अगली लाइन में देखें कि यहाँ पर जो फर्श है पूरा पक्का बना हुआ है, बाइकों की खड़े आराम से खड़े होने की पूरी यहाँ पर सुविधा है। इसी सुविधा को देखते हुए ठेकेदार ने 1,20,000 रुपए किराए में ये जो पार्किंग मंजूरी दी थी। अब यहाँ से जो है छाया शुरू हो जाती है, ऊपर शेड लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि ऊपर शेड लगे हुए हैं, ऊपर शेड अच्छे से लगे हुए हैं और यहाँ पर जो है बाइकें खड़ी हो जाती हैं। फर्श है जो बिल्कुल पक्का है यहाँ पे। अब अपने इसकी जो अगली लाइन में आ गए, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि फर्श बिल्कुल पक्का है, ऊपर शेड लगा हुआ है और जो है पार्किंग का अच्छे से निर्माण हुआ हुआ है। अब आप इस पूरी पार्किंग को देखें, पूरी पार्किंग को देखें आपकी, कितनी आराम से बाइकें खड़ी हैं। 7000 स्क्वेयर फुट जगह है। इसी जगह को देखते हुए जो ठेकेदार द्वारा यानी इस पार्किंग के लिए 1,20,000 रुपये किराए की सहमति दी गई और जो है एडवांस सिक्योरिटी जमा करवा दी गई। अब रेलवे प्रशासन इनसे ये गुंडागर्दी कर रहा है कि वो इससे आधी जगह दे रहा है और वहाँ पर फैसिलिटी भी नहीं है। आप पीछे देख सकते हैं कि ठेकेदार के बैठने के लिए भी कमरा बना हुआ है। इस जगह पर ठेकेदार हैं जो वो खुद बैठ जाते हैं और आराम से कूलर पंखा लगाकर अपना गर्मी में बैठ जाते हैं और जो बिजली का हक वो हर महीने मीटर का रिचार्ज करवा लेते हैं जो भी उनका बिल आता है। यहाँ पे इतनी फैसिलिटी है। इसी फैसिलिटी को देखते हुए ठेकेदार ने 1,20,000 रुपये किराए में इसको सहमति दी थी। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ जो दूसरी पार्किंग है। अब अपने चलते हैं दूसरी पार्किंग की तरफ जो रेलवे प्रशासन द्वारा इन ठेकेदारों को दी जा रही है। इसी पार्किंग के बिल्कुल सामने पहले फ्लैट होते थे, आप देख सकते हैं कि अब वो फ्लैट है जो वो तोड़ दिए गए। और अब अपने चलते हैं दूसरी पार्किंग की तरफ जो रेलवे प्रशासन द्वारा इनको दी जा रही है। अब आप फर्क देखिए कि उस पार्किंग और इस पार्किंग में क्या फर्क है। पहले अपने इसके फर्श की तरफ देखते हैं, आप देख सकते हैं कि इसमें फर्श है जो बिल्कुल टूटा हुआ है, कहीं भी कोई भी फैसिलिटी नहीं है, ना ठेकेदारों के बैठने की, ना ऊपर कोई शेड लगा हुआ है। आप देख सकते हैं ऊपर से बिल्कुल खुला है।
यानी कि आम जनता जितनी भी आएगी उनकी बाइकें यहाँ सारा दिन धूप में सड़ती रहेंगी। और फर्श आप देख सकते हैं कि बिल्कुल टूटा हुआ है, कहीं भी कुछ नहीं बना हुआ। अब ठेकेदार को 1,20,000 का पहले सामान दिखाया, अब ठेकेदार के साथ, अब आप जनता, मैं श्री गंगानगर, मेरी जो भी वीडियो यह देख रहा है, आप खुद देखिए कि ठेकेदार के साथ के इसमें धोखा हो रहा है या नहीं। आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से ठेकेदार के साथ धोखा हो रहा है। अब रेलवे प्रशासन उनसे ये गुंडागर्दी कर रहा है। इस टूटी फूटी पार्किंग का ये दिखाओ इधर से, इस टूटी फूटी पार्किंग का जो है ठेकेदार से 60,000 रुपये, जो 1,20,000 रुपये किराया मांग रही है। यानी रेलवे प्रशासन का यह कहना है कि आपको अब ये पार्किंग संभालनी पड़ेगी, वो पार्किंग आपको खाली करनी पड़ेगी और इसी पार्किंग में आपको अब आपको रहना पड़ेगा। इधर से आप देखिए, मैं अब देखिए कितनी टूटी हुई है, यहाँ पर कोई पाइपलाइन का काम, पानी निकल रहा है, कितनी घटिया है यहाँ पे। अगर वहाँ पर 500 बाइक खड़ी होती है तो यहाँ पर 200 बाइक खड़ी होंगी, 200 भी नहीं खड़ी होंगी, 150 खड़ी होंगी। अब आप खुद देख सकते हैं कि ठेकेदार 1,20,000 रुपये किराया उस आसान पार्किंग का दे रहा था, तो इस पार्किंग का किराया आपके हिसाब से कितना होना चाहिए? मैं आपका अपना अमित लक्की धवन, इस पार्किंग का किराया महीने का 40,000 रुपये मैं कहूँगा, क्योंकि उस पार्किंग में और इसमें मैंने जो फर्क देखा वो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। आप देख सकते हैं कि किस तरह से फर्श टूटा हुआ है और किसी तरह की कोई पार्किंग नहीं है ये। वहाँ पर मैं खड़ा होकर जब वीडियो बना रहा था तब मेरे को बिल्कुल भी पसीना नहीं आया था, लेकिन जैसे ही मैं इस तरफ आया मैं पसीने से भर गया। ये फर्क है उस पार्किंग और इस पार्किंग में। अगर एक आदमी का दो मिनट में ये हाल हो गया तो यहाँ पे जो पूरा दिन बाइकें खड़ी होंगी उनका क्या हाल होगा? आम जनता को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, ऊपर से इतनी गर्मी पड़ रही है। अब ठेकेदार, रेलवे प्रशासन ठेकेदार के साथ ये गुंडागर्दी कर रहा है, वो ये बात कह रहा है कि आपको उसी किराए में ये पार्किंग लेनी पड़ेगी। अगर आप ये पार्किंग नहीं लेते तो आपकी जो सिक्योरिटी है, इन्होंने मेरे हिसाब से 5-6 लाख रुपये के करीब सिक्योरिटी इन्होंने जमा करवाई है। इन्होंने अब ये बात कह दी कि अगर आप ये पार्किंग नहीं लेते तो आपकी सिक्योरिटी जब्त कर ली जाएगी। जब मेरे द्वारा यह वीडियो बनाई जा रही थी तब कुछ ही समय बाद रेलवे के बड़े अधिकारी आए और फिर उन्होंने किस तरह से ठेकेदार के साथ गुंडागर्दी की, आप देखें अगली वीडियो में। अब आप हेलो, आप देख सकते हैं कि सीएमआई साहब आए हैं रेलवे स्टाफ से, सीएमआई साहब से दिखाओ आप। अब इनका ये कहना है कि आप गली में अपनी जो है बाइकें खड़ी करो, बाहर आप गली में बाइकें खड़ी करो और आप वही पार्किंग संभालो। ठेकेदार के साथ अत्याचार किया जा रहा है, आप लाइव देख रहे हैं। क्या कहना चाहोगे? सीएमआई साहब हमारे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं, धक्काशाही कर रहे हैं। मैं ऐसे की ऐसे पार्किंग छोड़ के जा रहा हूँ, मेरे को मारपीट करने तक उतारू है यहाँ। कभी कोई आता है, कभी कोई आता है, पार्किंग तोड़ने की धमकी दी जा रही है। जो पार्किंग दे रहे हैं उसमें 100 बाइकें भी नहीं आती। क्यों उस पार्किंग का किराया 40,000 रुपये नहीं लिया जाता रेलवे प्रशासन से? जब वो पार्किंग का किराया 40,000 रुपये, तो 1,20,000 का सामान दिखाकर, आप देख सकते हो कि 1,20,000 रुपये का सामान दिखाकर इनको 6 महीने साल तक यहाँ बिठाकर अब 40,000 रुपये का सामान दिया जा रहा है और किराया मांग रहे हैं 1,20,000 रुपये। कहते हम अपना, सीएमआई साहब सामने बैठे हैं, कहते हम अपना किराया कम नहीं करेंगे, आप गली में बाइकें खड़ी करो। ये गली है जो बाहर आप गली देख सकते हो, आपको मैं गली दिखाता हूँ। ये सीएमआई साहब का ये बात कहना है कि ये गली में आप खड़ी करो। अब ठेकेदार गली में कहाँ कहाँ तक ध्यान रखेगा? कोई अगर बाइक उठाकर ले गया इस गली में, ठेकेदार कहाँ कहाँ तक ध्यान रखेगा? अगर कोई बाइक उठाकर ले गया तो ठेकेदार को बाइक देनी पड़ेगी। अब ये आप देख सकते हो, सीएमआई साहब का ऑर्डर लेकर आए हैं और अब सीधी सी आके पार्किंग का उन्होंने मौका संभाल लिया है। अब ठेकेदार जी हैं जो अपने घर जा रहे हैं, पार्किंग का मौका सीएमआई साहब ने संभाल लिया है। अब पार्किंग के जो आगे से जिम्मेदार हैं वो रेलवे प्रशासन होगा। यहाँ पर ठेकेदार का कोई लेना देना नहीं है क्योंकि ठेकेदार को बाहर निकाल दिया गया। अब देख सकते हो ठेकेदार अपने जूते पहन रहे हैं और वो अपने घर पे जा रहे हैं और गल्ला है जो आप देख सकते हो सीएमआई साहब संभाल रहे हैं। गल्ला दिखा दो, मौका दिखा दो बस। सीएमआई साहब ने पार्किंग संभाल ली है, आप देख सकते हो। मैं आपके सामने लाइव रिपोर्टिंग लेकर आया हूँ, आप देख सकते हो कि सीएमआई साहब पार्किंग का मौका संभाल लिया है और ठेकेदार को बाहर निकाल दिया है। अब सीएमआई साहब जो है वो बड़े अधिकारियों को फोन कर रहे हैं कि अब इसका क्या किया जाए। मौके पर कोई पत्रकार खड़ा है, हो सकता है मुझे भी जूत फेर दें आज।
क्योंकि रेलवे पुलिस को बुलाकर ये मेरे भी जूते फिरवा सकते हैं, क्योंकि मैं मौके की वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन मैं आपका अपना अमित लक्की धवन आपके सामने इसी तरह से जो है सच लेकर आता रहूंगा। आप देख सकते हो कि किस तरह से रेलवे प्रशासन की गुंडागर्दी है। पार्किंग वालों से पहले सिक्योरिटी जमा करवा ली, अब उनको 40,000 रुपए का सामान दिखाकर अब कहते हैं कि वहीं बैठो अगर और ये पार्किंग खाली करो, नहीं तो आपकी सिक्योरिटी आपको नहीं दी जाएगी। अब ये पार्किंग आप देखो, ये देखो कितनी टूटी हुई है। इस पार्किंग का जो है किराया 40,000 रुपए महीना होना चाहिए, लेकिन इस पार्किंग का किराया ठेकेदार को कह रहे हैं कि आप 1,20,000 रुपए किराया दो। आप देख लो खड्डे देखो इसमें, आप वो उधर कोने पे लेके चलो। आप इस पार्किंग का आप देख सकते हो कि इस जो ये पार्किंग आप देख रहे हो, इस पार्किंग का जो किराया है ना वो 1,20,000 रुपए मांग रहे हैं। ये पार्किंग का किराया महीने का 40,000 रुपए भी किराया नहीं है, और इस पार्किंग का 1,20,000 रुपए किराया जो है मांगा जा रहा है। और सीधी धमकी है कि अगर पार्किंग खाली नहीं करोगे तो आपकी सिक्योरिटी है वो जब्त हो जाएगी। और जो ठेकेदार ओम जग्गा है वो एक गरीब परिवार से है, वो कोई इतने बड़े सेठ नहीं है कि जो यानी कि ये 6-7 लाख रुपए का झटका सहन कर लेंगे। अपना घर गुजारा करने के लिए एक ठेकेदार द्वारा पार्किंग ली जाती है, और बाद में रेलवे प्रशासन अपनी गुंडागर्दी करके उनसे पार्किंग खाली करवाती है। आप किस तरह से खाली करवा रही है आपने देखा है, और अब ये पार्किंग दे रहे हैं जिसका किराया जो है मासिक किराया 40,000 रुपए महीना भी नहीं है, और 1,20,000 रुपए किराया इस पार्किंग का मांगा जा रहा है। CMI साहब खुद भी इस पार्किंग की वीडियो बना रहे हैं। हो सकता है कि CMI साहब बड़े अधिकारियों को भेजेंगे कि ये जो पार्किंग है, इस पार्किंग में जो है वो सुविधा नहीं है, उतनी बड़ी नहीं है पार्किंग, वैसी फैसिलिटी नहीं है। हो सकता है CMI साहब भी इनकी हेल्प करें। हम तो उम्मीद करते हैं कि CMI साहब हेल्प करेंगे। पहले CMI साहब द्वारा किसी कागज पर साइन करवाने के लिए ठेकेदार को फोर्स किया गया, जब उनको पता चला कि मौके पर मेरे द्वारा वीडियो बनाई जा रही है, तब उसके बाद CMI साहब कुछ गुस्सा उन्होंने ठंडा किया अपना, और बाद में फिर उन्होंने क्या बात कही, अब आप वो बात सुनिए। उनको ये लग रहा है कि ये पार्किंग का किराया हमसे 40,000 रुपए महीना लिया जाए। नहीं, जो आपका एरिया है पैसा तो उसी हिसाब से साथ किया जाएगा ना। हाँ जी एरिया, हाँ जी एरिया वहाँ पे 7,000 स्क्वायर फुट है सर। इतना एरिया दिया जाएगा उसके हिसाब से पैसा लगेगा आपका, है क्या इसमें? जितना आपको एरिया देंगे, 7,000 है तो 7,000 का मिलेगा, 5,000 है तो 5 का मिलेगा, 10 है तो 10 का मिलेगा। जो एरिया उसी के हिसाब से पैसा लगेगा ना। मेरे को तो जो प्रशासन आदेश देगा मैं तो उसके अनुसार लगता हूँ मेरी यार। अब CMI साहब है जो इन्होंने जो पूरी बात है वो ऊपर प्रशासन पर छोड़ दी है। अब प्रशासन के जो आदेश का अपने इंतजार करते हैं कि प्रशासन क्या कहता है। अगर प्रशासन कल को ये कहता है कि इनकी सिक्योरिटी जब्त कर लो और इनको बाहर निकाल दो, तो फिर प्रशासन तब ये रेलवे अधिकारी उनको बाहर भी निकालेंगे। लेकिन अब जो मौका है जो रेलवे पार्किंग का, वो अब कौन संभालेगा? ठेकेदार के पास है, ठेकेदार काम कर रहे हैं अपना। अभी जो मौका है वो ठेकेदार संभालेगा, और CMI साहब तो बस अब ऊपर के आदेशों की पालना करेंगे। मेरे को तो जो स्थिति है, स्थिति देख रहे हो ना सर आप? स्थिति देख रहा हूँ, स्थिति अवगत कराना मेरे को। सर आप ये स्थिति अवगत करवाओ सर, हम भी चैनल के माध्यम से अवगत करवाएंगे कि जो स्थिति है। अब आप देख सकते हो कि ठेकेदार जिस यहाँ पे मौके पे खड़े हैं, CMI साहब ने ये बात कह दी है कि इस पार्किंग की अगर 40,000 रुपए महीने का किराया जगह का बनता है तो हम 40,000 रुपए किराया लेंगे, अगर 1,20,000 बनता है तो 1,20,000 लेंगे। ठेकेदार द्वारा भी यही बात कही गई कि आपके जो किराया आप जो लीगल किराया बनता है वो हमसे लो। अब ठेकेदार अपनी पार्किंग में चले गए हैं और अपनी पार्किंग संभाल रहे हैं। अब 14 अगस्त को विवाद के बाद 16 अगस्त को रेलवे प्रशासन द्वारा इस ठेकेदार से 3,02,225 रुपए नई पार्क, जो पुरानी पार्किंग है जिस पार्किंग में वो बैठे हैं, उस पार्किंग का किराया भरवा लिया गया। उसके बाद 21 अगस्त को रेलवे प्रशासन द्वारा सीधी ऑर्डर आ गए कि पुरानी पार्किंग को जो है खाली करो, अब जाके नई पार्किंग में शिफ्ट हो जाओ। जो ठेकेदार थे वो इस बात से सहमत थे, जो आपने पीछे न्यूज में देखा कि CMI साहब ने जो सारा कुछ कहा है उसी बात को मानते हुए ठेकेदार जाकर नई पार्किंग में बैठ गए। जब ठेकेदार नई पार्किंग में बैठे तो उन्होंने अपने खर्चे देखना शुरू किया। सबसे बड़ी दिक्कत उनको यह आई कि बाइकें सारा दिन धूप में सड़ती रहती थी। दूसरी दिक्कत उनको यह आई कि उनको बैठने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी।
रात को इनका श्रमिक बाहर गली में सोता था। और उसके बाद तीसरी समस्या उनको यह आई, जो आप ये नीचे हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किस तरह से फर्श टूटा हुआ है, और फर्श टूटा हुआ है और बाइकें आप देख रहे हैं कि धूप में सड़ रही हैं, और जो पार्किंग के बाहर ऊपर आप देख सकते हैं कि कितनी गंदगी मची हुई है, क्योंकि सामने वाली पार्किंग जो है पुरानी पार्किंग तोड़ दी गई है, वहां पर रेलवे का निर्माण कार्य चल रहा है, और उसकी जो गंदगी है वो सारा दिन उसकी मिट्टी जो है नई पार्किंग में आकर जो है बाइकों पर गिरती है और ठेकेदारों के ऊपर गिरती है। आप गली में देख सकते हैं कि पूरी गली में जो है मिट्टी भरी पड़ी है, और जो ठेकेदार की अपने जब खर्चे देखे तो खर्चों में भी ठेकेदार ने ये देखा कि उसको हर महीने कम से कम अगर वो ये पार्किंग संभालता है तो 20 से 25,000 रुपए का उसको नुकसान हो रहा है। फिर अब ठेकेदार द्वारा आज दिनांक 21 सितंबर 2023 को सीएमआई श्री गंगानगर को एप्लीकेशन दी गई। वो एप्लीकेशन आपके सामने स्क्रीन पर है। ठेकेदार ने सीधी बात लिखी है कि पार्किंग स्थल साइकिल मोटरसाइकिल छोड़ने हेतु, क्योंकि आपने पीछे देखा था कि सीएमआई साहब खुद कह रहे थे कि आपको अगर आगे किसी तरह की कोई दिक्कत आए तो आप कभी भी पार्किंग छोड़ सकते हो। जैसा कि सीएमआई साहब ने पीछे आपने सारी जो हमारी जो बात हुई थी आपने पूरा वीडियो में आपने देखा, और उसी हिसाब से ठेकेदार ने आज जो है सीएमआई श्री गंगानगर को जाकर यह एप्लीकेशन दे दी कि पार्किंग स्थल साइकिल मोटरसाइकिल छोड़ने हेतु एबीएस योजना के तहत पार्किंग स्थानांतरण किया गया। 19 अगस्त 2023 को जो पहले पार्किंग थी उसका 6.5 स्क्वायर फुट पूरा उन्होंने एरिया लिखा और बताया कि हमें क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं और इसीलिए हम ये पार्किंग छोड़ना चाहते हैं। लेकिन सीएमआई द्वारा अब सीधा जवाब दे दिया गया कि मैं आपको किसी तरह की इस एप्लीकेशन की कोई रिसीविंग नहीं दूंगा, और ठेकेदार यह कह रहा है कि मेरे द्वारा पार्किंग बंद कर दी गई है और मेरे से अब किराया ना लिया जाए और मेरी जो सिक्योरिटी है वो मुझे वापस दी जाए। अब मैं आप सब आम जनता से निवेदन करना चाहूँगा कि आप खुद देखिए कि इसमें रेलवे प्रशासन अगर इनकी सिक्योरिटी इनको वापस देता है तो फिर रेलवे प्रशासन बहुत ही अच्छा कार्य कर रहा है। अगर इनकी सिक्योरिटी वापस नहीं देता और इनसे जो 3 महीने का बड़ी पार्किंग का एडवांस किराया लिया है उसका हिसाब करता है तो रेलवे प्रशासन बहुत बढ़िया है। अगर वो किसी तरह का इनको कोई रिटर्न नहीं देता तो फिर आप देख सकते हैं कि रेलवे प्रशासन किस तरह से आम जनता के साथ गुंडागर्दी कर रहा है। अब हम इंतजार करेंगे कि इनके द्वारा तो पार्किंग छोड़ दी गई है और अब रेलवे प्रशासन इनकी सिक्योरिटी कितने दिन में वापस देता है। धन्यवाद, जल्द मिलता हूं आपसे एक और बड़ी खबर के साथ। आपका अपना अमित लक्की धवन। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ऐसी ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और हमारे Facebook Instagram पेज को फॉलो जरूर कर दें, जिससे हमारे द्वारा कोई भी बड़ी खबर न्यूज घटना स्टोरी डाली जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जल्द मिलता हूँ आपसे एक और बड़ी खबर के साथ। आपका अपना अमित लक्की धवन। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आपके आसपास भी किसी तरह का कोई अवैध कार्य हो रहा है तो उसकी सूचना हमारे नीचे दिए गए नंबर पर जरूर दें। धन्यवाद।